future. That's true. Thank that's you, true. Yeah. Thank you. That's true. बहुत बहुत शुक्रिया है थैंक्स तो आप कितने बार थैंक्स बोलो वो कमी है एग्जैक्टली एग्जैक्टली अगर कोई स्टूडेंट गुरु की वैल्यू समझता है उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं या दैट इज ट्रू एंड जो सीखा है रियल में जिसको वैल्यू है नॉलेज की राइट आप टिप्स डोंट एक्सपेक्ट हिम एक बार टिप्स के चक्कर में मैं बैठा था एंट्री ले लिया एग्जिट करना मुझे नहीं पता था नहीं इनका तो ये भी नहीं पता इनके वीडियोज देखोगे तो ये नहीं बताएंगे कि नेक्स्ट 15 मिनट में मार्केट कैसे जाने वाला है जस्ट गिविंग यू द नॉलेज यू गेस इट मैं तो बोलता भी हूँ सबको और बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि कल क्या होगा सर कल मैंने कहा भाई मेरे को नहीं पता और आप किसी से भी पूछ लो किसी को कुछ नहीं बस भाई भाई बस कई बार मैंने ऑप्शन चेंज का मतलब स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम ऑब्जर्व किया है मैं देखती हूँ कि कई बार जैसे कि अभी मार्केट ऊपर से 200-300 पॉइंट नीचे आया बैंक निफ्टी फिर उसको उठना है लेकिन उठने के पहले वो चार पांच छोटी छोटी कैंडल बनाता है तो पहली दो जो छोटी छोटी कैंडल बनाता है ना भले ही उसमें 30-40 पॉइंट का दो जैसा कैंडल बनता है लेकिन उसमें वही स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम चाहे इन द मनी हो 50 पॉइंट के मूवमेंट पे या 40 पॉइंट के मूवमेंट पे वो 20 रुपये नहीं देता लेकिन चार कैंडल के बाद ऊपर आता है तब 40 पॉइंट के मूवमेंट पे आपको 25 रुपये मिलते हैं मैंने आपको अभी बताया था उस टाइम हम जब बात कर रहे थे कि एक टाइम आएगा जब आप कुछ नहीं देखोगे सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस का फ्लक्चुएशन देख के जान जाओगे कहाँ जाने वाला तो मेरा अभी वो स्पेस आ चुका है बस ऐसा समझो जैसे बोलते ना कि वो तूफान आने वाले वैसा भागने वाला है कहीं बहुत अगर कॉल की प्राइस स्पाइक मारती है अचानक से प्रीमियम की तो मतलब अप ट्रेंड है ऐसा कुछ नहीं एक कैंडल के बाद तो दो कैंडल लाल बन जाएगी तो प्राइस में चेंज आने वाला है या तो ये बहुत तेजी से गिरने वाला है या तो ये बहुत तेजी से उठने वाला है अच्छा वो बैलेंस करेगा सिर्फ प्राइस को भी देख के जान सकते हैं अरे क्यों और 20-50 और दे दो बोला मैं देता हूँ सर आपने बताया जब कुछ भी सीखे तो बहुत बहुत हेल्प होता है किसी के मतलब किसी पर डिपेंड नहीं रहना मैं खुद भी सीख सकता हूँ बहुत ही लोग भी सिखा सकता अच्छा अरे कुछ नहीं और सर वो तो ये भी नहीं सिखा रहे सपोर्ट कैसे ड्रॉ करना रहे पता ही चलता है फिर मार्केट कहाँ से बाय करना कहाँ से सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो मुझे यही था पहले थोड़ा सा ना धीरे धीरे लिमिटेशंस बननी शुरू हो जाती हैं वो लिमिटेशंस बहुत हेल्प करती हैं कभी कभी सर ऐसा होता है ना एंट्री प्रॉपर हो जाती है लेकिन एग्जिट प्रॉपर नहीं हो पाती इसकी वजह से जो प्रॉफिट हुआ रहता है तो ये क्यों लिया नीचे गिरा फिर ऊपर चला गया एकदम से फिर नीचे अभी यहाँ पे क्या फर्क आता है कि जैसे हम लोग एक आपने देखा होगा कई बार में जो रेंज जो हम सपोर्ट ड्रेसेस बनाते हैं तो रेक्टेंगल फॉर्म में बनाते हैं अगर यहाँ रेक्टेंगल बना होगा तो उसको डबल करना लाइन बना है तो हमें डबल तो रेक्टेंगल को प्रेफरेंस थोड़ा सा हमें देना चाहिए नहीं उतना ही और सर ये
यही तो है कि मतलब हम फिर भूल गए हम क्या सोच कर आए थे। नहीं, लॉस ऑफ प्रॉफिट रेशियो क्या होना चाहिए? अगर मैं 10% एक्सपेक्ट करता हूँ कि ट्रेड मुझे दे, ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे सिर्फ कठिन करने के लिए समझाई जाती है ना, मैथमेटिकल कर देते हैं तो लोगों को कठिन लगेगा, लोग मुझे फॉलो करेंगे। तो एसएल कैसे सेट करना है? एसएल स्विंग्स स्विंग्स तो मुझे लगता है जितना वीडियो देखो उतना ज़्यादा कंफ्यूजन और आप बायस हो जाते हैं। आराम बहुत मिलता है वीडियो देखते हैं, ऐसा लगता है कल तो बनाए कल ऐसा लगेगा ना 19,730 का अगर गई तो आपको सीधा 20,000 पहुँचने जा रहे हैं। जैसे एक वो है वो तो हमेशा चेंज होता है, मैंने एक बार यूज़ किया, मैंने भी देखा किसी वीडियो में बहुत पहले की बात, मैंने सुपर ट्रेंड लगाया लेकिन कम से कम हमारे से मैं लाइन बनी तो रहती, हटती तो नहीं है, वो तो इंडिकेटर ही गायब हो गया, एरो बना के बात गए वो हम जो डेली रूटीन में कर रहे हैं, शायद कोई एक चेंज करने से आगे बात चेंज हो जाए। मैंने कि जैसे इस पर चार्ट देख सकते हैं आराम, थोड़ा बड़ा स्क्रीन पे चार्ट देखते हैं तो बहुत सारे लोग करते हैं, तो मैंने खुद ने आ दिया मुझे भी ज़्यादा कौन से केस देना है अरे सर मैं ये आप बैग भी ले लेना एक ग्रुप फोटो ले लो ना सर, इस तरफ लाइट इस तरफ।